गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद अर्चिता। आज मैं आपसे आपके सामने दो DIY ले आई हूँ जो कि बिल्कुल इजी है। और ये जो है छोटे छोटे बॉक्स जो है मेरे पास पड़े हुए थे, अमेज़ॉन से मैंने कुछ सामान मंगवाया था तो मैंने उससे इसको बना रही हूँ। ऊपर का ये मैंने कट करके, ये देखिए ये नीचे इस तरीके से लगा दिया है, नीचे का बेस को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए। ठीक है, बस इसके बाद मैंने जो ये आइसक्रीम स्टिक ली हुई है और आइसक्रीम इसको स्टिक को जो है फेविकॉल की हेल्प से हम जो है इस बॉक्स के चारों ओर पेस्ट कर देंगे। आप ब्रश निकालिए, ब्रश की हेल्प से फेविकॉल इस तरीके से पूरे बॉक्स पर लगा लीजिए। बहुत ही सिंपल है, DIY है। इस तरीके से देखिए चारों तरफ मैं फेविकॉल लगा रही हूँ और स्टिक को इसके ऊपर लगा रही हूँ। बस स्टिक में लगाते समय देख लीजिए सारे स्टिक बिल्कुल एक सीक्वेंस में लगी रहे, ऊपर नीचे नहीं लगे। या आपको अगर इस तरीके से डिज़ाइन करना है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं कि साइड साइड का बड़ा रहे और बीच का जो है थोड़ा नीचे साइड में लगा दीजिए आप, पर मैं यहाँ पर बिल्कुल इक्वल ही उस पर लगा रही हूँ सारी स्टिक्स। जो थोड़ी थोड़ी इसमें आइसक्रीम स्टिक थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी है उनको मैं जो है निकाल दे रही हूँ, जो बिल्कुल स्ट्रेट में है उनको ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो फिर सही से जो है पेस्ट नहीं होंगी इस पर। हाथ से इस तरीके से दबा लीजिए, ये चारों तरफ देखिए चारों तरफ अब लग गई है। अब मैं जो हूँ ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर नीचे के साइड जिस तरफ से ओपन है उस साइड नहीं, नीचे के साइड बेस के साइड में ग्लू गन लगा के इस पे मोटी वाली जो रोप होती है, रोप नहीं वाइट वाली ये वो है, इसको रस्सी को रोप को इसको लगा रही हूँ मैं। अगर आपके पास ये वाली नहीं है, जूट वाली है पतली जूट वाली, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगेगी।
इस तरीके से मैं इसी रोप की तीन लेयर लगाऊंगी। ये देखिए तीन लेयर होगी ना तीनों तरफ चारों तरफ। बस अब रेडी है हमारा ये DIY। मेरे पास गोल बड़े वाले जो है ये मिरर थे, मैं वो इसमें पेस्ट कर रही हूँ। अभी मैंने चारों तरफ जो है लगा दिया है। अभी देखिए बस ये तैयार है हमारा। इसको आप चाहिए फ्लावर वास की तरह आप यूज़ करिए। ये देखिए कैसा लग रहा है लग करके, ये देखिए। चाहे तो आप इसमें इसको फ्लावर वास की तरह यूज़ कीजिए, या इसमें निक नैक चीज़ें आप अपनी डाल के रख सकते हैं। कोई भी है चीज़ है उसको निक नैक चीज़ें आप इसको डाल के इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं एज ए ऑर्गेनाइज़र। देखिए यहाँ मैंने इसको अपने किचन में प्लेस कर दिया है और इसमें दोनों मनी प्लांट रख दिए हैं। अब ये दूसरा DIY स्टार्ट हो रहा है। ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही सामान मंगाया था, उसका बॉक्स मेरे पास जो है पड़ा हुआ था। इस पे देखिए मैंने ये पेंसिल से ना डिज़ाइन बना लिया। आपको जैसी डिज़ाइन बनानी है उस तरीके से आप डिज़ाइन बना लीजिए। मैंने इस तरह की डिज़ाइन जो है इसमें बना रखी है। ये क्ले है शिल्पकार जिसको बोलते हैं। ये आप जो है चाहिए तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ये, और नहीं तो जो है किसी भी स्टेशनरी शॉप पे भी आपको मिल जाएगी। इसको आटे की तरह बिल्कुल वैसे करके इसको मुझे जो है इसको पतला पतला लंबा लंबा इस तरीके से बनाना है। ये देखिए इस तरीके से मैं बना रही हूँ। इस तरीके से इसको लगा के फेविकॉल लगा के हम इस शिल्पकार को जो है क्ले को इस तरीके से लगा लेते हैं। कटर से इसके साइड कॉर्नर जो है काट दीजिए जितना बड़ा हो रहा है। ये भी बहुत ही इजी DIY है और काफ़ी अच्छा लगेगा। ये जो ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाई ना उसके ऊपर भी हम लोग फेविकॉल इस तरीके से लगा लेते हैं। जहाँ पे डिज़ाइन बनाई है वहाँ पे इसी तरह का से क्ले लंबा लंबा हाथों से करके हम इस तरीके से इसको उसी डिज़ाइन के ऊपर फेविकॉल लगा के पेस्ट कर देंगे।
जो छोड़ा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा छोटा सा, यहाँ पे मैं छोटा सा रोज़ बना के क्ले से ही उसको पेस्ट करूँगी। ये हो गई है डिज़ाइन मेरी पूरी। रोज़ बनाने के लिए ये जो मैं लंबा लंबा इस तरीके से बना रही थी ना, इसको जो है दो अपने अंगूठे और फर्स्ट वाली फिंगर से दबा दबा के ऐसे चपटा सा बना के उसको राउंड राउंड शेप में बिल्कुल गोल गोल घुमा घुमा के ऐसे मतलब कर देंगे, बस हमारा रोज़ बन जाएगा। यहाँ पे हम जो है ये लीव्स को जो है लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है अब ये हो गया, इसके बाद मैं जो हूँ इस पर कलर करूँगी। मैं इस पर जो है ग्रीन कलर कर रही हूँ, पैरेट ग्रीन कलर। आप चाहिए तो अपने मनपसंद का कलर कोई भी कर सकते हैं। आप अगर ब्लैक कलर करेंगे और ब्लैक पे गोल्डन कलर का जो है करेंगे तो वो भी खूबसूरत लगेगा, और ब्राउन कलर अगर करेंगे और उस पर सॉरी कॉपर कलर करेंगे तो वो भी खूबसूरत करेगा लगेगा। मैं जो हूँ, मुझको ये जो मैं बना रही हूँ ना DIY, मुझे जहाँ पे इसको प्लेस करना है वहाँ का थीम ग्रीन है, इसलिए मैं इस पर पैरेट ग्रीन कलर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू थीम। आप अपने थीम के हिसाब से जो है कलर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी DIY आप तैयार करते हैं ना तो आप उसमें अपनी थीम को जो है ज़रूर याद रखिए कि थीम के हिसाब से ही करिए, तो जो है बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगने लगता है। जैसा आपने बनाया है DIY उस वो थीम के अकॉर्डिंग हो तो वो और अच्छा लगने लगता है। इस तरीके से मैं जो हूँ पूरा पूरे ही इस पे जो ये बॉक्स है ना, इसके चारों तरफ ग्रीन कलर कर दूंगी। ये देखिए चारों तरफ मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। नीचे जो बेस है वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है इसको। यहाँ पे मैं इस पे वाइट कलर का जो है ना, वाइट मेटालिक वाइट है वो कर रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं गोल्डन कलर करूँगी। आप चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फिंगर से ही अब मैं जो इस पर गोल्डन कलर कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा शेडर टाइप का कर रही हूँ, आप चाहिए तो पूरा पूरा गोल्डन कर दीजिए, अपनी अपनी चॉइस है, सबको जो है सबकी चॉइस अलग अलग होती है। वैसे आप पूरा अगर गोल्ड करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, पर मैंने एक दो DIY पहले भी बनाए थे ना, उसमें इसी तरह का शेडर पेंट किया था, तो मैं अकॉर्डिंग टू थीम कर रही हूँ। मेरे वीडियो में फ्रेंड्स आपको जो है कहीं लाइट धीमी और कहीं जो है तेज दिखती है, कभी मेरा साउंड धीमे हो जाता है, कभी जो है थोड़ा सा तेज आ जाता है साउंड। तो मैं पहले जो वीडियो बनाती हूँ ना उसमें सेटिंग करती हूँ एडिटिंग के समय, और फिर दूसरा व्लॉग जो बनाती हूँ तो फिर उसमें जो है सेटिंग जो है मतलब चेंज करना भूल जाती हूँ। अभी फ्रेंड्स मैं सीख रही हूँ, अभी लर्नर हूँ, इसलिए प्लीज़ मेरी इन सब मिस्टेकों को आप इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए मेरा पॉट बिल्कुल तैयार हो चुका है। पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।